अबे टिंकू, क्या मस्त टाइम पे कॉल किया है तूने। बता सकता है अभी हम लोग कहाँ पे हैं? तुम लोग अभी वेट, तप्पू और उसकी सेना, तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में हो क्या? अबे पागल, कुछ भी बोल रहा है तू। अरे इस जगह को ओडिशा का ऊटी कहा जाता है और ये बरमपुर से बस 35 किलोमीटर की दूरी में बसा है। वेट वेट, ये क्या? अरे वो आंटी को बचा, वो शायद नीचे कूदने वाली है। अबे किसी के बारे में ऐसे बुरा नहीं बोलते हैं, शायद उनका हस्बैंड नीचे गिर गए होंगे। अच्छा अच्छा, अरे वो दीवारों पे तुम्हारा नाम कैसे छप गया? हाँ तो क्या, छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ मैं, बहुत फेमस हो चुका हूँ मैं। अरे सही है, पार्किंग में पहुँच ही गए। अरे अरे रुक, ये क्या, ये शाहरुख खान क्यों बन रहा है? ये खाई में गिर के मरेगा, ये पक्का मरेगा, देख ले। देखा, बोला था ना मैंने, ऐसे जगह पे सेल्फीज ना लिया करो दोस्तों। अबे टिंकू देख, नीचे से मंदिर कुछ ऐसा ही दिखता है, हमें पूरे ऊपर तक जाना है। अबे टिंकू मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे जूते चोरी ना हो जाए यहाँ पे, हम ऊपर से नीचे आने तक। लगता है पापा कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं जूता रखने के लिए। ला बेटा ला, इधर रख जूते, कुछ नहीं होगा। पापा आर यू श्योर, कुछ नहीं होगा ना? आई एम नॉट। अरे लड़कियों इधर लाओ जूते रख दो, कुछ नहीं होगा। आर यू श्योर भैया? नो आई एम नॉट। अबे तेरे बदबूदार सॉक्स वहाँ छोड़ के जा, कोई नहीं आने वाला। चुप। अबे टिंकू तू अभी तक नहीं बता पाया हम कहाँ पे आए हैं। ले एक हिंट देता हूँ तुझे, यहाँ पे माँ बालकुमारी का टेम्पल है। अच्छा तो तुम लोग बालकुमारी गए हो? यस करेक्ट। दीदी भैया के साथ मेरा एक फोटो लो ना। हाँ लेती। रुक दीदी, बैक कैमरा ऑन करके लेना। हाँ रे, मेरे को पता है। दीदी फोटो खींचा क्या? ओ शिट, मैंने तो ये सेल्फी ले ली। अबे टिंकू ये बहुत फोटोजेनिक प्लेस है, तू यहाँ पे फिल्म वगैरह भी शूट करेगा, इतना मस्त लोकेशन है। और देख यहाँ कितना बड़ा शिवलिंग है, रुक मैं चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ। अरे वाह, शिव जी के दर्शन करके मजा आ गया, जय शिव शंभू। अबे टिंकू पता है क्या, भले ये मंदिर 100 साल पुराना हो लेकिन इसका डेवलपमेंट पिछले 2 साल में ही हुआ है। इसके बाद से जो टूरिस्ट यहाँ आने लगे है ना, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी यहाँ आके अपना वीडियो बनाया है, जिसके बाद से ये फेमस हो गया है। ओके ठीक है, मैं भी आता अगली बार। यस यस डन। अरे टिंकू पता है अभी किस होटल में आए हम? अरे बरमपुर का बच्चा बच्चा जानता है, ये गिरिजा रेस्टोरेंट है। हाँ बट ये उनका नया ब्रांच है, पुराना वाला ब्रांच बंद हो गया, जो सालों से मेरे बचपन से जहाँ पे मैं खाना खाया करता था, और ये काफी बड़ा होटल बना दिया है। होटल भले ही चेंज हुआ लेकिन टेस्ट वैसा का ही वैसा है। ये होटल खास करके उनका चिकन आइटम्स के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली चिकन पकौड़ा, जिंजर चिकन, खा के बहुत मजा आ गया। सीरियसली बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा मुफ्त में मिल रहा है, टेस्टी लगेगा ना। अच्छा टिंकू अब बता सकता है हम कहाँ पे आ गए हैं? ये जगह कुछ देखा देखा लग, ओ गंजाम क्लॉथ स्टोर, ये अन्नपूर्णा मार्केट है। यू आर राइट। और बेटा मार्केटिंग करते वक्त ध्यान रखना, ये बरमपुर है, यहाँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ देखना, वरना कोई भी कहीं से आके ठोक के चले जाएगा और सॉरी भी नहीं बोलेगा। बरमपुर का फेमस स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट है अन्नपूर्णा मार्केट, पता है ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा इतना श्योर कैसे है तू? अबे देख पापा के साइज का बरमूडा मिल गया इधर, तो सोच कुछ भी मिल सकता है इधर। अरे हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। भाई तेरे लिए वो शर्ट खरीदा दूं क्या? अबे भाग, तू अपने लिए बड़े बड़े मॉल से खरीदेगी और मुझे रोड साइड से, चुप। अबे टिंकू बहुत थक गया यार गर्मी में, चलो ये सोडा जीरा पानी पीते हैं, थोड़ा पेट में ठंडक पड़ेगी। हाँ पीले पीले भाई पीले। अबे टिंकू पता है क्या, ये पीने से ना पेट साफ हो जाता है। हाँ तो फिर तुझे ही चाहिए, तू ही पी। अबे टिंकू पता है, तू ऐसा कोई भी फल का नाम ले जिसका अचार तुझे यहाँ बरमपुर में मिल जाएगा। अच्छा ऐसा है? यस, इसीलिए तो फेमस है बरमपुर। ठीक है मेरे लिए भी आम का अचार थोड़ा सा लेके आ जाना। ओके ओके डन। अरे मम्मी टिंकू के लिए 2 रुपए का अचार डाल दो। पर टिंकू पता है क्या, यहाँ की एक बुरी बात, यहाँ के जो शॉप ओनर्स है ना बड़े ही बदतमीज होते हैं,
हम लोगों के साथ भी किसी ने बदतमीजी की थी, हम क्या डरते हैं किसी से, हमने भी पंगा ले लिया। अरे भाई क्यों पंगा लिया उन लोगों से, उन लोगों का कम्युनिटी है, तुझे ठोक देंगे आके बीच में। चल तेरे भाई किससे नहीं डरता, हम ऐसे ही घूमेंगे यहाँ पे, देख लेंगे कौन। सिद भाई, सिद भाई हो क्या, लगता है सिद भाई को ठोक दिया गया।